नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक यादव आपका स्वागत करता हूं एप्टी गुरु के यूट्यूब चैनल पर। एंड वंस अगेन मैं आपके लिए लेकर आया हूं करंट अफेयर का सेशन। और जैसा कि आज 30 सितंबर है, तो आज की जितनी भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है यहां पर हम उसे डिस्कस करने वाले हैं, अपकमिंग सभी एग्जाम के लिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आपके सामने यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखें सभी स्टूडेंट। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में कौन शीर्ष स्थान पर रहा है, यानी कौन सी कंट्री है जो वहां पर जिसका रैंक फर्स्ट आया है या फर्स्ट रैंक जिसे मिला है। ठीक है, रैंक वन कौन सी कंट्री है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स होता क्या है। तो ये बच्चे उन कंट्री में सभी कंट्रियों को रैंक दिया जाता है इसमें कि कौन सी इनोवेटिव, सबसे ज्यादा इनोवेशन जहां पर हो रहा है, कौन सी ऐसी कंट्री है जो इनोवेटिव आइडियाज को डेवलप कर रही है बहुत ज्यादा, और वहां पर बहुत ज्यादा रिसर्च हो रही है इनोवेशन को लेकर। तो ऑप्शन आपके सामने गिवन है, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया या इनमें से कोई नहीं। तो सभी बच्चे यहाँ पे आंसर कर सकते हैं इसका, जितने स्टूडेंट यहाँ पर हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चे स्विट्जरलैंड, बाकी सारे ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएंगे। करेक्ट आंसर इज स्विट्जरलैंड। तो यहाँ पे बच्चे स्विट्जरलैंड से और से कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, और क्वेश्चन बन सकते हैं बच्चे, कैपिटल पूछा जा सकता है आपसे एंड इसकी करेंसी भी पूछी जा सकती है। ठीक है, तो स्विट्जरलैंड की कैपिटल बच्चे यहाँ पे आप नोट कर लें सभी स्टूडेंट, इसकी कैपिटल है बच्चे बर्न। ठीक है, बर्न इसकी कैपिटल है, और दूसरी इसकी लुसाने इसकी कैपिटल है, इसकी दो कैपिटल है। ठीक है, तो जो बर्न कैपिटल है वो बच्चे एडमिनिस्ट्रेशन कैपिटल है, एडमिन की कैपिटल है, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए उसका यूज किया जाता है उस कैपिटल का। एंड लुसाने यहाँ के बच्चे जुडिशियल कैपिटल है, लुसाने यहाँ की जुडिशियल कैपिटल है। ओके, एंड करेंसी यहाँ पे बच्चे स्विस फ्रांस यूज होती है, स्विस फ्रांस यूज होती है, FRANCE। ठीक है, स्विस फ्रांस यूज होती है। यहां से बच्चे इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, कैपिटल से, करेंसी से पूछा जा सकता है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स किसके द्वारा जो है दिया जाता है, यानी कि इंडेक्स की जो रैंकिंग है वो कौन प्रोवाइड करता है। तो आप इसे नोट कर सकते हैं, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। तो जितने स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं ये सारी चीजें नोट कर लें, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये इंडेक्स दिया जाता है, जहां पर जो इनोवेटिव कंट्रीज होती हैं उन्हें रैंक गिवन यहाँ पर दिया जाता है। तो यहाँ पे रैंक बच्चे फर्स्ट किसे मिला है, स्विट्जरलैंड को यहाँ पे फर्स्ट रैंक मिला है। और भी देखते हैं यहाँ पर बच्चे, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में सिंगापुर शीर्ष स्थान पर रहा है, यानी जहाँ पे पासपोर्ट जो है, जिस कंट्री का पासपोर्ट बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, ठीक है, उसे ये फर्स्ट रैंक दिया जाता है, यहाँ पे सिंगापुर का स्थान है। ग्लोबल पीस इंडेक्स में देखते हैं, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा है बच्चे, आइसलैंड यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, तो इंडेक्स से ये सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फीफा पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल टीम रैंकिंग में अर्जेंटीना शीर्ष पर रहा है, यानी जो फीफा नेशनल और ये जो पुरुष की टीम है यानी मेल टीम है, उसमें सबसे शीर्ष पर कौन सा कंट्री रही है, सबसे शीर्ष पर रहा है अर्जेंटीना। तो ये सारे क्वेश्चन बच्चे अपकमिंग एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन रहे हैं। यहाँ से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, हाल ही में किसे मीडिया रिसर्च यूजर्स काउंसिल इंडिया ने अध्यक्ष यानी कि चेयरमैन के रूप में कार्यभार संभाला है, यानी कौन है, ठीक है, कौन सा वो व्यक्ति है जिसने मीडिया रिसर्च यूजर काउंसिल इंडिया ने, ठीक है, अध्यक्ष के रूप में कार्यभार को दिया है, यानी कि उस पे पोस्ट पे इन्हें, ठीक है, भेजा गया है। संजय पांडे हैं, अतुल भार्गव है ऑप्शन में, शैलेश गुप्ता है या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी के सामने बच्चे चार ऑप्शन है, आप सभी यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं आंसर, एंड करेक्ट आंसर विल बी शैलेश गुप्ता, शैलेश गुप्ता, बाकी सारे ऑप्शन यहाँ पे रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे और भी अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन बन रहे हैं, ध्यान से देखिए सभी स्टूडेंट। अपॉइंटमेंट का टॉपिक काफी बच्चे एग्जाम में रिपीटेड पूछा जाता है, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, बैंक का हो, कोई स्टेट लेवल का एग्जाम हो, जितने भी गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम है, सब सब में, सभी एग्जाम में ये अपॉइंटमेंट का टॉपिक बहुत रिपीटेडली पूछा जाता है। एंड यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने संजीव मंत्री को MD & CEO के रूप में नियुक्त किया है। ठीक है, SECI, यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन रहा है, सही बच्चे ध्यान से देखें। ठीक है, SECI के निदेशक का पदभार
ज्योतिष रंजन ने संभाला है। किसने संभाला है बच्चे? ज्योतिष रंजन ने। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज SECI, सोलर सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया। तो ये भी बच्चे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि SECI की फुल फॉर्म क्या है, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट यहाँ पे बच्चे नीरज मित्तल ने दूर संचार विभाग के, ठीक है, जो टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट होता है वहां पे सचिव सेक्रेटरी के रूप में कार्यभार को संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पे ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन ABC, ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के चेयरमैन एस के स्वामी चुने गए हैं, ठीक है। कौन चुना गया बच्चे? एस के स्वामी को चुना गया इसके चेयरमैन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन बन रहा है श्याम सुंदर गुप्ता ने मध्य रेलवे के प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक के रूप में कार्यभार को संभाला है। तो जो सेंट्रल रेलवे है वहां के जो चीफ एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट को देख रहे हैं उनका नाम है श्याम सुंदर गुप्ता, ठीक है। चलिए ये बच्चे यहाँ से ये सारे क्वेश्चन अपॉइंटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एंड ये वाला क्वेश्चन भी अभी जो है काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मीडिया रिसर्च यूजर्स काउंसिल इंडिया ने अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो आंसर विल बी शैलेश गुप्ता। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं यहाँ पे। अंतरराष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम, इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नामांकित होने वाले पहले एशियाई व्यक्ति कौन है? किसे नॉमिनेट किया गया है, किसे नॉमिनेट किया गया है इंडिया की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए? तो जैसा कि आप सभी यहाँ पे पिक्चर में देख पा रहे हैं, ठीक है, जो भी स्टूडेंट स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं उन सभी को पता होगा, ठीक है, इनका नाम है लियंडर पेस, इनका नाम है लियंडर पेस, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा पार्ट हमारा ऑप्शन है बी, बाकी सारे ऑप्शन क्या है यहाँ पे रॉन्ग हो जाएंगे। तो लियंडर पेस के बारे में आप थोड़ी बहुत नॉलेज आपको होनी चाहिए, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्पोर्ट्स का, ये स्पोर्ट्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये 7 टाइम बच्चे इन्होंने ओलंपिक में मेडल जीता है, 7 टाइम। ओलंपिक मेडल मेडलिस्ट रह चुके हैं ये, ओलंपिक मेडलिस्ट रह चुके हैं, ठीक है। और ये भी पूछा जा सकता है कि इस राज्य से बिलोंग करते हैं बच्चे, इनका जो बर्थ है, बर्थ प्लेस जो है वो वेस्ट बंगाल है, कलकत्ता। एंड ये जो जहां रहते हैं बच्चे, रेजिडेंस इनका जो रहते हैं वो है मुंबई, महाराष्ट्र में, मुंबई में, ठीक है। ये मुंबईन है, यानी कि रेजिडेंस इनका कहाँ पे है? मुंबई में, महाराष्ट्र में। और ये बॉर्न यानी इनका बर्थ कहाँ पे हुआ था? कैलकटा में हुआ था। और ये 7 बार जो है ओलंपिक मेडलिस्ट रह चुके हैं। तो इन्हें जो है अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नामांकित किया गया है, नॉमिनेट किया गया है। तो स्पोर्ट्स से बच्चे ये अच्छा क्वेश्चन बन रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस म्यूचुअल फंड ने, यानी कौन सी म्यूचुअल फंड की कंपनी है, ने सितंबर 2023 में CBSE के साथ साझेदारी में निवेशक शिक्षा कार्यक्रम लॉन्च किया है? निवेशक शिक्षा कार्यक्रम को लॉन्च किया है किसके साथ मिलकर बच्चे? CBSE के साथ मिलकर। तो यहाँ पे ऑप्शन आपके पास गिवन है, म्यूचुअल फंड की कंपनी है SBI म्यूचुअल, कोटक म्यूचुअल फंड, HDFC म्यूचुअल फंड या एक्सिस म्यूचुअल फंड। तो सभी बच्चे ध्यान से देखिए बच्चे, आंसर होगा यहाँ पे कोटक म्यूचुअल फंड, कोटक म्यूचुअल फंड यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और CBSE सभी लोग जानते हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है। CBSE का बच्चे हेडक्वार्टर आपसे पूछा जा सकता है, हेडक्वार्टर कहाँ पे CBSE का? न्यू दिल्ली में। हेडक्वार्टर कहाँ पे बच्चे? न्यू दिल्ली में CBSE का हेडक्वार्टर है। एंड इसके चेयरमैन कौन है? चेयरमैन भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जितने बच्चे ऑनलाइन हमारी वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, इसका आंसर कर सकते हैं, IAS विनीत जोशी, IAS विनीत जोशी यहाँ के चेयरमैन बनाए गए हैं, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हु इज द चेयरमैन ऑफ CBSE, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के चेयरमैन कौन है? IAS विनीत जोशी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे बच्चे? न्यू दिल्ली में है, ठीक है। हाल ही में इसने किसके किसके साथ साझेदारी की है निवेशक शिक्षा कार्यक्रम के लिए? इन्हें कोटक म्यूचुअल फंड के साथ जो है साझेदारी यानी कि डील पे साइन किए हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है बच्चे यहाँ पे, 5th क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस देश ने नूर 3 उपग्रह को कक्षा में प्रक्षेपित किया गया है, किया है, ठीक है, यानी किस देश ने एक उपग्रह लॉन्च किया है नूर 3,
नूर थ्री उपग्रह किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है, आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन हमारे पास बच्चे यहाँ पे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें बच्चे करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, सभी बच्चे जितने बच्चे ऑनलाइन है प्लीज यहाँ पे कमेंट जरूर करें, करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चे ईरान, बाकी सारे ऑप्शन यहाँ पे गलत हैं। और यहाँ पे ईरान के बारे में एक और इंफॉर्मेशन गिवन है, एक और क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है, ईरान शंघाई सहयोग संगठन SCO का नया स्थायी सदस्य बन गया है, ठीक है। तो शंघाई सहयोग संगठन में पहले इसके जो बच्चे मेंबर थे, परमानेंट मेंबर थे, 8 मेंबर्स थे, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है, कि अब कितने मेंबर हैं। अब बच्चे यहाँ पे एक प्लस हो गया, यानी परमानेंट मेंबर बढ़ा दिया गया है, तो टोटल मेंबर कितने हो गए बच्चे, 9 मेंबर्स हो गए हैं इसके, 9 मेंबर्स हो चुके हैं संघाई सहयोग संगठन के। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में MS स्वामीनाथन का निधन हुआ, वे कौन थे। तो MS स्वामीनाथन, जो भी बच्चे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो भी एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, वो सभी जान रहे हैं MS स्वामीनाथन, भारत में इन्हें ग्रीन रेवोल्यूशन का, हरित क्रांति का पिता कहा जाता है, ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन का पिता कहा जाता है MS स्वामीनाथन को। तो आप जैसे इमेज में देख सकते हैं, ठीक है, ये हमारे देश में ग्रीन रेवोल्यूशन लाने के लिए इनको जो है बहुत ही जो है इनका नाम काफी फेमस है, काफी विख्यात है। तो यहाँ पे ऑप्शन बच्चे हो जाएगा वैज्ञानिक थे ये, बाकी सारे ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे, इसमें देखते हैं और कौन से क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन से। क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे बच्चे क्वेश्चन बन रहा है आपके सामने, ग्रीन रेवोल्यूशन कब इसकी शुरुआत कब की गई थी, इसे कब इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है, आप कह सकते हैं इसकी स्टार्ट कब हुआ था ये ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति, ठीक है, 1965 में, 1965 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसे शुरू किया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसे इसका जो है शुरुआत की गई। और ये बेसिकली किस लिए था, टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ, टू इंक्रीज प्रोडक्शन, प्रोडक्शन ऑफ राइस एंड व्हीट, ठीक है, राइस और व्हीट की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत की गई थी, ताकि प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सके, ठीक है, बढ़ती हुई पॉपुलेशन को देखते हुए। और भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन के पिता किसे कहा जाता है, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया MS स्वामीनाथन को कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है, ठीक है। और ये इंटरनेशनल लेवल पे बच्चे किसे बोलते हैं, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, नॉर्मन, आप सभी लोगों ने नाम सुना होगा, नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग को इसके, इनके नाम से पुरस्कार भी दिया जाता है बच्चे, ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग को फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है, कहां पे, इंटरनेशनल लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पर। और अगर इंडिया लेवल पे पूछे, ठीक है, भारत में किसे कहा जाता है, तो MS स्वामीनाथन को यहाँ पे कहा जाता है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1965 में भारत सरकार के द्वारा भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन को मंजूरी दी गई, जिसमें हम यूरिया का उत्पादन या यूरिया जो है यूज कर सकते हैं हम अपने फसलों पे, ठीक है, ताकि उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सके, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बच्चे पूछे जा सकते हैं, ये कौन थे, ये वैज्ञानिक थे, और इनका जो है अभी हाल ही में इनका निधन हुआ है। चलिए इसी क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने भूमि अधिग्रहण विधेयक पारित किया है, लैंड एक्विजिशन बिल को यहाँ पे पारित किया गया है, ठीक है, यानी आप जो है आपकी जमीन जो है उसके एक्वायर करने के लिए जो भी विधेयक था, जो भी बिल था, ठीक है, उसे पास किया गया है, बिल को पास किया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन है आपके पास असम, उड़ीसा, महाराष्ट्र या इनमें से कोई नहीं। तो सभी बच्चे यहाँ पे, जितने बच्चे यहाँ पे ऑनलाइन हमें देख रहे हैं, आंसर को कमेंट कर सकते हैं, जितने स्टूडेंट हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, आंसर हो जाएगा बच्चे उड़ीसा, उड़ीसा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और उड़ीसा के बारे में और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हुए हैं जो अभी रिसेंटली चर्चा में थे। सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए विश्व बैंक उड़ीसा को फंड देगा, यानी विश्व बैंक ने, वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि हम सोशल सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए उड़ीसा में, ठीक है, फंड देंगे। और फंड बच्चे 100 मिलियन डॉलर देने के लिए, ठीक है, कहा गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा कि वो 100 मिलियन डॉलर की हेल्प करेगा, ठीक है, ओडिशा की।
उड़ीसा को, उड़ीसा की रायगढ़ शॉल को जीआई टैग मिला है, ठीक है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है रायगढ़ शॉल को। एंड उड़ीसा में मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना शुरू की गई है, ठीक है, तो मॉर्निंग में बच्चों को जो न्यूट्रिशन पूरा करने के लिए उन्हें ब्रेकफास्ट दिया जाएगा यहाँ पे उड़ीसा में, अप टू 10th क्लास, 10वीं तक के बच्चों के लिए यह सुविधा प्रदान की जाएगी उड़ीसा के स्कूलों में। और उड़ीसा सरकार ने मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना शुरू की है, ठीक है, इसमें जो वहाँ के बच्चे ओबीसी स्टूडेंट हैं, ठीक है, उनको फाइनेंशियल हेल्प दी जाएगी, फाइनेंशियल हेल्प दी जाएगी प्लस रेजिडेंशियल रेजिडेंशियल हेल्प भी दी जाएगी उन्हें। तो फाइनेंशियल और रेजिडेंशियल दोनों तरह की हेल्प उनकी की जाएगी उड़ीसा सरकार के द्वारा। तो यहाँ पे बच्चे उड़ीसा से और किस तरह क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, तो उड़ीसा के आपसे सीएम पूछे जा सकते हैं, सभी को पता है बच्चे नीतीश कुमार वहां के सीएम है प्रेजेंट टाइम पे, नीतीश कुमार, ठीक है, सॉरी इट विल बी नवीन पटनायक, देयर विल बी, ठीक है, यहां पे आएगा नवीन पटनायक वहां के, नवीन पटनायक वहां के सीएम है। एंड वहां के अगर गवर्नर पूछा जाए बच्चे, ठीक है, गवर्नर कौन है वहां के, ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, गवर्नर गणेशी लाल, गणेशी लाल वहां के गवर्नर हैं। तो यहां से बच्चे क्वेश्चन बन सकता है, सीएम आपसे पूछा जा सकता है उड़ीसा के नवीन पटनायक, आपसे गवर्नर पूछा जा सकता है गणेशी लाल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8वां क्वेश्चन है यहां पर, किस राज्य को दूसरा बाघ अभयारण्य कैमूर जिले में मिला है, कैमूर जिले में, ठीक है, दूसरा बाघ अभयारण्य किस राज्य को मिला है। तो ऑप्शन हमारे पास है यहाँ पे बच्चे पंजाब, राजस्थान, बिहार या इनमें से कोई नहीं। तो सभी बच्चे यहाँ पे जिन्हें ऑनलाइन बैठे हैं देख सकते हैं, हमारे जो इंडिया में बिहार जो है यहाँ पर लोकेटेड है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बच्चे बिहार, ठीक है। बिहार से और कैसे क्वेश्चन बच्चे बन सकते हैं, बिहार से एक तो ये वाला क्वेश्चन बन रहा है, बाघ अभयारण्य मिला है कैमूर जिले में बिहार को, एंड बिहार के सीएम यहाँ पे पूछे जा सकते हैं, ठीक है, बिहार के सीएम पूछे जा सकते हैं नीतीश कुमार, बिहार के सीएम है यहाँ पे नीतीश कुमार, एंड यहाँ के बच्चे गवर्नर भी आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है, राजेंद्र आर्लेकर, राजेंद्र आर्लेकर यहाँ के जो है गवर्नर हैं, ठीक है। तो सीएम और गवर्नर बच्चे आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, नीतीश कुमार है बिहार के सीएम एंड राजेंद्र आर्लेकर हैं यहाँ के गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बन रहा है, हाल ही में टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा, ये टाइम्स हायर एजुकेशन जो भी एक संस्था है द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 2024 में कौन शीर्ष पर है, ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे 2024 के लिए रैंकिंग दे दी गई है, टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है, यानी कौन सी यूनिवर्सिटी वर्ल्ड लेवल पर नंबर 1 पर है। ऑप्शन है, ठीक है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एंड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जिन स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं आप इसका आंसर कमेंट कर सकते हैं। हमारे पास ऑप्शन है यहाँ बच्चे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ये भी बच्चे यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यहाँ बच्चे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ इंग्लैंड यहाँ पर, ठीक है, करेक्ट आंसर है। कहाँ पर है बच्चे ये, इंग्लैंड में है, इंग्लैंड में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है। तो ये बच्चे जो रैंकिंग वाले क्वेश्चन होते हैं आप सभी को पता होना चाहिए, जितने भी रैंकिंग वाले क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, तो इस तरह क्वेश्चन को कवर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पूरी वर्ल्ड में जितनी भी यूनिवर्सिटी है उसमें टॉप किया है, टॉप रैंक मिला है किसे, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को, जो कि कहाँ पर स्थित है, इंग्लैंड में। तो इसी के साथ बच्चे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आज का यहाँ पे बच्चे 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व रेबीज दिवस कब मनाया गया, विश्व रेबीज दिवस कब मनाया गया। ऑप्शन आपके पास बच्चे है, ए 26 सितंबर, बी हमारे पास यहाँ पे 28 सितंबर, सी है 27 सितंबर, डी है इनमें से कोई नहीं। तो जितने बच्चे ऑनलाइन है प्लीज यहाँ पे कमेंट करें, ठीक है, और नीचे जितनी भी इंफॉर्मेशन गिवन है सितंबर के बारे में, जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हैं हमने यहाँ पे कवर किए हैं आप इसे नोट कर सकते हैं, जितने भी हमारे क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं एग्जाम के लिए सारे हमने इसे कवर कर लिया है।
तो बच्चे इसका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा 28 सितंबर। सही आंसर हो जाएगा 28 सितंबर। विश्व रेबीज डे मनाया जाता है, पब्लिक को रेबीज के बारे में अवेयर किया जाता है, ठीक है। और इसके बच्चे थीम भी आपसे पूछ सकते हैं, इसकी थीम भी आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। इस बार विश्व जो वर्ल्ड रेबीज डे था उसकी थीम क्या थी, ठीक है। ऑल फॉर वन, ऑल फॉर वन एंड वन हेल्थ फॉर ऑल। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑल फॉर वन, वन हेल्थ फॉर ऑल, यहाँ पर इसकी थीम थी। इसका कहने का मतलब है बच्चे कि सभी लोग एकजुट होकर, ठीक है, वन हेल्थ फॉर ऑल, एक ही तरह की हेल्थ जो है सबको प्रोवाइड की जाए, सबको हेल्थ में या हेल्थ की क्यों सुरक्षित रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए हम वन हो, यानी एकजुट हो जाए, ठीक है। तो ये थीम यहाँ पर इस बार वर्ल्ड रेबीज डे पर इस थीम को यहाँ पर बताया गया, थीम रखी गई। तो करेक्ट आंसर बच्चे क्या हो जाएगा, 28 सितंबर। बाकी और भी नीचे इंफॉर्मेशन गिवन है। विश्व नारियल दिवस 2 सितंबर को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस 7 सितंबर को, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को, हिंदी दिवस हमारे यहाँ पर मनाया जाता है 14 सितंबर को, लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ठीक है, डेमोक्रेसी डे जो है वो मनाया जाता है इंटरनेशनल लेवल पे 15 सितंबर को, विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है बच्चे 16 सितंबर, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है, इंटरनेशनल पीस डे मनाया जाता है 21 सितंबर को, एंड इंटरनेशनल रिवर डे मनाया जाता है यहाँ पे 24 सितंबर को, परमाणु हथियारों के, ठीक है, कुल उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ठीक है। तो परमाणु हथियारों के प्रति जागरूक बनाया जाता है लोगों को, ठीक है, इस इंटरनेशनल डे के थ्रू 26 सितंबर को मनाया जाता है, और 27 सितंबर को मनाया जाता है यहाँ पे विश्व पर्यटन दिवस, वर्ल्ड टूरिज्म डे। तो ये सारे बच्चे इंपॉर्टेंट डेज हैं सितंबर के, ये आप सभी नोट कर सकते हैं अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, ठीक है। तो जितने भी सितंबर में इंपॉर्टेंट डेज हैं वो सारे के सारे हमने यहाँ पे अपने प्रीवियस वीडियो में भी कवर किए हैं और इस वीडियो में भी हम कवर कर रहे हैं। और इसी के साथ बच्चे आज के यहाँ पे 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में। तो जितने स्टूडेंट हमें इस वीडियो को देख रहे हैं, हमें यहाँ पर सुन रहे हैं, उन सभी बच्चों को बहुत बहुत थैंक यू यहाँ पे, ठीक है, वेरी वेरी थैंक यू। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए इस सेशन को बच्चे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करने की कोशिश करें। थैंक यू वंस अगेन।